हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें स्टार्टिंग में गिवन एसिटोफिनोन, हम सबसे पहले स्टेप में इसमें ऐड करें समेरियम आयोडाइड, और सेकेंड स्टेप में हम इसमें ऐड करें एस्टर, और वो भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या हमें किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टेप में समेरियम आयोडाइड दिया हुआ है, तो देख के डरना नहीं है। समेरियम आयोडाइड क्या होता है? समेरियम आयोडाइड में समेरियम 2+ है, और समेरियम बेसिकली एक लेंथेनाइड एलिमेंट है, लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो समेरियम 2+ क्या कोशिश करेगा, ये समेरियम 3+ में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये क्या करेगा, ये खुद को तो ऑक्सीडेशन करेगा और ये दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो जो समेरियम 2+ है ये एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो कोई और एक्सेप्ट करेगा तो कोई और रिड्यूस होगा, इस वजह से दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस दौरान जो समेरियम 3+ बना है वो काम करेगा लुईस एसिड का, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करेगा जो है वो ऑक्सीजन से। तो लुईस एसिड का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से ये कोऑर्डिनेट करेगा। तो हमारे पास ये होगा, तो बेसिकली क्या होगा, जो समेरियम 2+ है वो समेरियम 3+ विच विल बिहेव एज अ लुईस एसिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो एक इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, तो मतलब रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या गिवन है, कीटोन गिवन है। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है विच इज एसिटोफिनोन। अब इसमें हमने ऐड किया है समेरियम आयोडाइड। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, इसको मैं समेरियम 2+ लिखती हूँ बिकॉज आयोडीन तो जस्ट एक काउंटर आयन है। सो समेरियम 2+ जो है वो देगा समेरियम 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ऑब्वियस है कि रेडिकल मैकेनिज्म होगा। रेडिकल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ से मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया एक रेडिकल कार्बन पे, एक रेडिकल ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे ये बनाएगा क्या, ये यहाँ पे जाके बनाएगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे रेडिकल, और ये इस तरह से, ठीक है, ये बनाएगा ये। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ओ नेगेटिव है कोऑर्डिनेट करेगा समेरियम 3+ के साथ विच इज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होगी, कोऑर्डिनेशन होगी। अब अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में हमें एस्टर गिवन है। तो अब देखो मैं यहाँ पे एस्टर लिख रही हूँ, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH COOME। अब इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि ये पूरा रेडिकल मैकेनिज्म ही है, तो इस डबल बॉन्ड को क्या मैं इस तरह से रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल लिख सकती हूँ। अब जो ये वाला रेडिकल है वो तो स्टेबल रेडिकल है, ठीक है, 2 डिग्री भी है और नेक्स्ट टू, क्योंकि रेडिकल के साथ चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो इसको बाय कैपिटेटिव इफेक्ट रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे क्योंकि जो स्टेबल है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हमें सिर्फ रेडिकल्स को कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है ओ नेगेटिव जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं समेरियम 3+ के साथ, और ये मिथाइल इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। इसके साथ कौन आके लग गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ इसके साथ आके लग गया है ये वाला CH2, इसके साथ अटैच्ड है CH, और इसके साथ अटैच्ड है CH रेडिकल, सॉरी, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OOME। और यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ मतलब यहाँ पे चिलेशन हो रही है प्रॉपर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा से समेरियम आयोडाइड तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, तो दोबारा से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इस रेडिकल के पास जाएगा। ये रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब सॉल्यूशन में प्रोटोन भी है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, जब वापस आएंगे तो OMe बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक रिंग बनेगी, इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। देखो ध्यान से किस तरह से बनेगी, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, इसके साथ यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा है ऑक्सीजन, जो जिसको मैंने नंबर 1 नाम दिया है, ऑक्सीजन इज नंबर 1। यहाँ पे ये है हमारे पास सेकंड, सेकंड पे मिथाइल प्रेजेंट है, थर्ड, थर्ड पे CH2 है, फोर्थ पे CH2 है, और फिफ्थ जो है वो इस तरह से है जो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे OMe तो सॉरी ये तो लीव कर गया ना, OMe तो निकल गया। तो ये हमारे पास रिंग बनी है 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप कि ये पूरा प्रोसीजर क्लियर होगा, बट अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर्स है बट यहाँ पे ओरिएंटेशन का फर्क है। देखो इन्होंने क्या किया, इसको नंबरिंग की हेल्प से समझ सकते हो, हमने ऑक्सीजन का नंबर 1 दिया था ना, ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2,
ठीक है, ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 है, फिर नंबर 3, 4, 5, 5 पे कार्बोनिल प्रेजेंट है, थर्ड फोर्थ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट, सेकंड जो है वो फिनाइल से अटैच्ड है और सेकंड ही मिथाइल से अटैच्ड है, सो इट्स ऑल अबाउट नंबरिंग, दोनों के नंबरिंग जो है वो सेम है, मतलब दोनों जो है वो सेम कंपाउंड्स हैं, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। बस थोड़ी सी बातों को पता होना चाहिए था, सबसे पहले बात पता होना चाहिए था कि समेरियम आयोडाइड का क्या फंक्शन है, दिस इज अ 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये पता होना चाहिए था रेडिकल मैकेनिज्म है, ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ओ नेगेटिव, उसके बाद ये रेडिकल जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और कौन से इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये अपने आप ही रेडिकल एक और इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटोन लेके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद साइक्लाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि 5 मेंबर रिंग जो होते हैं वो काइनेटिकली फेवरेबल होती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और यही इस क्वेश्चन का ड्राइविंग फोर्स है कि 5 मेंबर रिंग जो होते हैं वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि हमें बताने मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन है, सो देखो हमारे पास इस तरह का सब्सटेंस गिवन है, कंपाउंड गिवन है, हमने इसमें NaOMe डाला, ठीक है, NaOMe जो है वो बेस का भी काम करेगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, और Et2O इट्स जस्ट ईथर सॉल्वेंट है, ठीक है, डाइथाइल ईथर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है Br, क्वेश्चन जो है वो बेस है फेवरेट के रीअरेंजमेंट पे, पर अगर नहीं भी नाम याद तब भी इट्स ओके। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो NaOMe है विच इज बेसिकली Na पॉजिटिव OMe नेगेटिव, वो यहाँ से, ये देखो ये भी अल्फा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, ये भी अल्फा पोजीशन है, इस अल्फा पोजीशन पे कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इस अल्फा पोजीशन पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है जो बेस है वो उसको लेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और Br जो है वो लीविंग ग्रुप है वो निकलेगा, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी, देखो किस तरह से, इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे जो है वो Br अटैच है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास बना इंटरमीडिएट, अगले स्टेप में जो OMe नेगेटिव है वो काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव है पार्शियली नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे अभी भी रिंग एज इट इज है, रिंग को एज इट इज बनाओ, यहाँ पे है ओ नेगेटिव, यहाँ पे है OMe, अब क्या होगा, ये ओ नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है, ये ओ नेगेटिव यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जाएगा और यहाँ से बी आर बींग लिविंग ग्रुप लीव करेगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है स्ट्रेन है, हमें रिंग ओपनिंग करानी थी, तो अब मैं इसको नंबर कर देती हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, फर्स्ट पोजिशन पे 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच है, उसके बाद यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट पोजिशन है, सेकेंड पोजिशन है, उसके बाद यहाँ पे अटैच है थर्ड, थर्ड पोजिशन पे क्या लगा है, थर्ड पोजिशन पे सी डबल बॉन्ड OOME लगा है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, ऑप्शंस को देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, बिकॉज इसी में हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ सी ओ ओ एम ई, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट पे, सबसे पहले से अपने इसने बेस का काम किया, व्हाई, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से इसने एसिड का काम किया और एसिड की तरह जैसे इसने काम किया, इसने ये वाला अल्फा प्रोटोन लिया और अल्फा प्रोटोन लेते फिर इसने इसको Br दिख गया, तो नेगेटिव चार्ज ने जो है वो यहाँ पे अटैक किया साइक्लाइजेशन की, उसके बाद OMe नेगेटिव ने जो है वो किसका काम किया, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, और उसके बाद रिंग ओपनिंग करा दी, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो देखो हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं RH2OEC4 व्हिच इज बेसिकली अवर मेटल कॉम्प्लेक्स, नथिंग एल्स, DCM सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमीथेन और रिफ्लक्सिंगम करा रहे हैं, हमें बताने इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है हमें, सबसे पहला काम ये है कि हमने बेंजाइल को खोल के लिखना है, बेंजाइल इज बेसिकली CH2PH, दिस इज OBN ना, बिकॉज ऑप्शंस में देखोगे तो फिनाइल दिख रहा होगा, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, मैं अभी सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल ही ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड N2, N2 को मैं इस तरह से एक्सपैंड करके लिख लिया कि ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा, जो काम लाइट करती है यहाँ पे वही काम मेटल कॉम्प्लेक्स करेगा, मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ कार्बीन बनाने में हेल्प करेगा, वो नाइट्रोजन को रिमूव कराने में हेल्प करेगा, तो होगा क्या कि मैं इसको अगर रेजोनेंस के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ PH CH2O, इसको PH CH2O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N
ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एन टू एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एन टू रिमूव होगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज था ना, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, बट यहाँ पे कार्बीन बन गया, तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज पी एच सी एच टू ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बन गया हमारे पास कार्बीन, कार्बीन इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब इंटरमीडिएट है स्टेबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक कर दिया। कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 मेंबर रिंग बनी, स्टेबल है फेवरेबल है, तो हमने 5 मेंबर रिंग बना देनी है। तो ओ इस तरह से ऑक्सीजन नंबर 1, सेकेंड थर्ड पोजिशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है। या इसको इस तरह से नंबरिंग कर दो जिस तरह से ऑप्शंस में गिवन है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है, थर्ड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, और ऑक्सीजन के साथ सी एच टू पी एच भी अटैच्ड है, बट ऑक्सीजन पे आया है नेगेटिव चार्ज। और फिफ्थ पोजिशन पे जो कार्बीन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, या तो इसमें रिंग ब्रेक होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, इस वाले ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो रिंग तो ब्रेक नहीं होगी, देखो रिंग तो स्टेबल है, रिंग एज इट इज रहेगी। अब हमें क्या करना है, माइग्रेशन करना है, तो उसको देखो ध्यान से, यहाँ से ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये माइग्रेट करके जाएगा इस पोजिशन पे, ये इसको इस तरह से समझ लो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस पूरे पूरे ग्रुप को लीजिएगा अपने साथ इस तरह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, पहले जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब वो बन गया है न्यूट्रल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे इस फिफ्थ पोजीशन पे आके लग गया है सी एच टू पी एच, सी एच टू पी एच। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, तो वो इस तरह से भी समझ सकता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव लाऊं, यहाँ पे पॉजिटिव लाऊं, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना इस तरह से। नेगेटिव इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल गया, तो यहाँ पे इस कार्बन का सी एच टू पी एच के साथ बॉन्ड बन गया, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर ऑप्शन को देखोगे तो क्लियरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि मेटल कॉम्प्लेक्स के करेगा, इसको क्लीव करेगा और कार्बीन बनाएगा। अब कार्बीन बन गई, स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पड़े हैं, ये इस पर अटैक करेंगे, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी स्टेबल नहीं है, तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये माइग्रेट करके जाएगा, या कह लो नेगेटिव चार्ज जो है, वो इसको इसको ले जाके, मतलब फिफ्थ पोजिशन पे, इस पोजिशन पे अटैच कर देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें स्टार्टिंग में इस तरह से एक एलाइलिक एल्कोहल गिवन है, और हम इसमें ऐड करें सी एच थ्री सी ओ ई टी थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, और उसके बाद हम हीटिंग कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इसको लेके चलती हूँ कि यहाँ से कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, सो लेट्स सी क्या बनेगा। यहाँ पे है सी, इसके साथ अटैच है सी एच थ्री, और इसके साथ 3 ओ ई टी ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, बना लिए। उसके बाद हमें गिवन है एच प्लस, तो एच प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, और सबसे पहले स्टेप में बनाएगा सी एच थ्री सी ओ ई टी, और यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ओ ई टी, और यहाँ पे आएगा ओ ई टी। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, यहाँ पे जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है ना, एक न्यूट्रल लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो लीव करेगा, तो बनेगा सी एच थ्री सी, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड ओ ई टी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आया है ओ ई टी, ठीक है। अब हमारे पास ये बना है, अब ये क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया, पहले मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया, विच इज बेसिकली और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमने स्टार्ट करना है अपना अपना जो स्टार्टिंग मटेरियल है, अपना एलाइलिक एल्कोहल हम लेके आए, ठीक है। अब इसके सामने ये इंटरमीडिएट पड़ा है सी एच थ्री सी ओ ई टी डबल बॉन्ड ओ ई टी पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब देखो दो ऑप्शंस है कि एक तो ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफिलिक है, डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक है, बट अगर कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, बस इसके बाद तो इसके बाद ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप देखना है हमें। बस पहला स्टेप ध्यान रखने वाला था कि पहले स्टेप में हमारा एक इंटरमीडिएट बना था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, सब सिर्फ वो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बने पहले स्टेप से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ है कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच है सी एच थ्री ओ ई टी एंड ओ ई टी,
ठीक है, अब क्या होगा, एच प्लस जो है यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि हमने एज अ कैटलिस्ट डाला था, और कैटलिस्ट जो है वो बाद में रीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद ये तो निकल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो एच प्लस निकला वो एच प्लस जो है वो इस पे अटैक करे, मतलब ऑक्सीजन एच प्लस पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना के देगा, 1 सेकेंड, डबल बॉन्ड इस साइड है ना, इस साइड हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन CH3, यहाँ पे हमारे पास बन गया ओ एच ई टी, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है ओ ई टी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये ओ ई टी जो इथेनोल है जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है वो लीव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओ सी CH3 डबल बॉन्ड ओ ई टी, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, बस अब हमारे पास अगले स्टेप में ये बना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सी, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ CH2H। ठीक है, अब यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से जो ओ ई टी है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, यही होगा, यहाँ से ओ ई टी यहाँ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास इस स्टेप के बाद क्या बनेगा, मैं ये सब कुछ इरेज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसी वजह से, बट एक के बाद एक स्टेप अपने आप आ रहा है। यहाँ पे आया है रिंग, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सी, यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आया है OET, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास बन के तैयार हो गया, ये हमारे पास पहला स्टेप है। इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते, बस हमने क्या किया, हमने यहाँ से जो एसिड हमने स्टार्टिंग में यूज किया था उसको हमने सिर्फ रीजनरेट करवा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो कौन इसको प्रोटोन देगा, मतलब कहाँ से प्रोटोन जाएगा, तो यहाँ से प्रोटोन जाएगा। अब अगले स्टेप में देखो, अगला स्टेप भी बहुत क्रूशियल है, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हीटिंग। ठीक है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर रहे हैं हीटिंग, और हीटिंग में क्या होगा, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, और वो भी कौन सी, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो हम क्या करते हैं, विनाइलिक पोजिशन को नंबर 1 देते हैं ना, इसको देखो सबसे पहले तो ये फर्स्ट पोजीशन है, एक सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, 1-1 का बॉन्ड ब्रेक होता है, 3-3 का बॉन्ड बनता है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे जाएगा बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट होगा, तो 3-3 के बीच में नया बॉन्ड बना, 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये कैसी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि स्टीरो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो थर्ड पोजिशन का थर्ड के साथ बॉन्ड बना, थर्ड अटैच है इस सेकेंड के साथ, इस सेकेंड के साथ कौन कौन अटैच है, इस सेकेंड के साथ अटैच है डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, इस तरह से। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ स्टीरियो की, तो ये वाला ग्रुप, इसको ध्यान से समझना स्टीरियो को, कि यहाँ पे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे यही से, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वेज से बॉन्ड टूटा है तो वेज पे ही जाके बनेगा, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा सी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले स्टेप में तो इसको कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाना था, उस इंटरमीडिएट पे OH ने अटैक करना था, उसके बाद कुछ नहीं करना था, बस हमें ट्राई करना था कि ऑक्सीजन का कैसे ना कैसे जो है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद टेम्परेचर देंगे तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, हमने सिर्फ अलाइलिक पोजिशन को फर्स्ट नंबर देना है और उसके बाद हमने डबल बॉन्ड को 2-3 नंबर देना है। 3-3 का बॉन्ड बनाया, 1-1 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और स्टीरियो स्पेसिफिक है तो जहां से बॉन्ड टूटा वही उसी स्टीरियो में बॉन्ड आके बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहाँ पे देखो CH3 COET OET OET, ठीक है, H प्लस डालोगे तो यहाँ पे आएगा H प्लस, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो पहले स्टेप में तो हमारे पास क्या हुआ, डबल बॉन्ड आया यहाँ पे OET पॉजिटिव और यहाँ पे है OET, ये इसने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, और क्योंकि इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सिर्फ अटैक करना था और कुछ नहीं करना था, और उसके बाद हमें क्या करना था, बस अटैक के बाद भी हमें ट्राई करना था कि कैसे ना कैसे करके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो यहाँ आया ओ क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे, तो ये आया CH3 OET और यहाँ पे OET। अब क्या करना था, अब हमें एक और को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना था, इसको हमने एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, इसने यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बना
वो इस तरह से बना, ओ सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ ई टी। बस ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन खत्म करेगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट में एसिड को रीजनरेट भी होना था। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो अपने सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सा सबस्ट्रेट मिल गया, विच इज अलाइलिक। क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज योर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, की फर्स्ट पोजिशन है, सेकेंड है थर्ड, ये फर्स्ट है, सेकेंड है थर्ड, ठीक है। ये इस तरह का हमें सबस्ट्रेट मिल गया। सो उसके बाद हीटिंग करोगे तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सो दिस विल गिव यू द ऑप्शन सी एज द करेक्ट प्रोडक्ट। बस ध्यान रखना था कि इसकी स्टीरियो जो थी वो सेम थी जहां से माइग्रेशन होके गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, द लास्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 2E4Z6E डेका ट्राई। ठीक है, तो अब हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन मींस हमने लाइट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराना है। देखो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 2E, मतलब मैंने सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाया, वन सेकेंड पोजिशन पे है ना ये, और ई मीन्स दिस इज लेट्स से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ई कॉन्फिगरेशन हो गया ना, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फोर फोर जो है वो जेड है, जेड का मतलब मैंने इस तरह से बनाया 4Z, 6E, 6 को मैंने इस तरह से ई बना दिया 6 7, लेकिन ये डेका ट्राईइन है, ट्राईइन तो मैंने बना दी, बट डेका का मतलब होता है 10 कार्बन, मैंने तो भी 7 ही बनाया, तो इसका मतलब ये 8, ये 9 और ये 10, ये डेका ट्राईइन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालनी है लाइट, ठीक है। अब लाइट डाल के क्या होगा, लाइट डालने से हमारे पास क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगी, और ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बट अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरह से रोटेशन होगी, तो देखो ध्यान से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और लाइट की प्रेजेंस है, दैट मींस रोटेशन कौन सी होगी, कौन रोटेशन होगी, कौन रोटेशन का मतलब है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूं, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये सारे कार्बन है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट ये आउटसाइड है ना, ये आउटसाइड है, और यहाँ पे मेरे पास सेवेंथ पोजीशन है, और सेवेंथ पोजीशन के बाद है एट्थ नाइन्थ टेंथ, एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये भी दोनों बाहर की तरफ है ना, ग्रुप्स दोनों बाहर की तरफ है। तो अब मुझे सिर्फ स्टीरियो डिसाइड करनी है कि किस तरह से होगी। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊं तो ध्यान से सुनो, ये मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो लाइट की प्रेजेंस में मेरा जो होमो होगा वो होगा साई 4, यही होगा ना, थर्मल प्रेजेंस में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो होमो होगा साई 3, थर्मल की प्रेजेंस में साई 3 और फोटोकेमिकल में साई 4। साई 4 का क्या मतलब है, अगर ये है साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रीज की बात करूँ, यहाँ टर्मिनल लोब्स की बात करूँ, यहाँ मिरर सिमेट्री है, यहाँ C2 सिमेट्री है, यहाँ मिरर सिमेट्री है, यहाँ C2 सिमेट्री है। C2 सिमेट्री का मतलब है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से मेरे पास टर्मिनल लोब्स हो गए। मैंने क्या किया, मैंने कौन रोटेशन कराई तभी हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो मैंने क्या कराई, कौन रोटेशन, ठीक है। कौन रोटेशन कराने से क्या होगा, ये वाला लोब इधर शिफ्ट होगा, देखो रोटेशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि रोटेशन जो है वो पूरी स्टीरियो को डिसाइड करेगी। ये यहाँ रोटेट हुआ, ये यहाँ रोटेट हुआ, ये अगर यहाँ गया तो मैं ये यहाँ पे हाइड्रोजन भी ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर ये यहाँ गया तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, और अगर ये इधर गया तो ये ग्रुप यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इधर जाएगा। मतलब होगा क्या यहाँ पे बेसिकली, कि जब साइक्लाइजेशन होगी, पहले तो मैं साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट बनाती हूँ, जब साइक्लाइजेशन होगी तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बनेगी इस तरह से, और इन दो पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, एक तरफ हमारा अटैच है मिथाइल और एक तरफ हमारे पास अटैच है ये 7, ये 3 8 9 10, इस तरह से 3 कार्बन की चेन अटैच्ड है। बट मुझे अभी स्टीरियो नहीं पता, तो स्टीरियो के लिए मैंने क्या किया, स्टीरियो के लिए मैंने रोटेशन की, कौन रोटेशन की, कौन रोटेशन करूंगी तो ये वाला जो है ग्रुप ये कहाँ जाएगा, ये वाला रोटेशन से देखो ये ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मिथाइल ग्रुप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो 3 कार्बन वाला ग्रुप है ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों की स्टीरियो जो है वो ऑपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, दैट मीन्स अगर एक वेज है तो दूसरा होगा डैश, ठीक है। तो बस इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, कि अगर एक वेज है तो दूसरा होगा डैश, ठीक है। कैसे पता चला, कौन रोटेशन से, ये दोनों ग्रुप्स जो है ये दोनों बाहर की तरफ है, तो मैंने क्या किया, मैंने और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लाइजेशन हो रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फोटोकेमिकल कंडीशन में साई 4 होमो होगा, साई 4 का मतलब क्या है, ये साई 4 है ना, साई 4 का मतलब है C2, C2 का मतलब है इस तरह से सिमेट्रीज होंगी, कौन रोटेशन करोगे तो ये मिथाइल एक ऊपर जाएगा और एक यहाँ से ये जो है ये ग्रुप नीचे आएगा, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड पर जा रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं ऐसे कि अगर दोनों आउटसाइड है तो प्रोडक्ट ट्रांस बनते हैं, तो आप वो ट्रिक्स भी फॉलो कर सकते हो। बट ये मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है कि हम किस तरह से टर्मिनल लोब्स को देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।